हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी, मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। देखो, कंप्लीट द रिएक्शन करके ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्ड एंड हेलो एरीन के रिएक्शन की हम बात करेंगे, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट द रिएक्शन करके। मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया क्योंकि हम लोग को कम टाइम में पूरा ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट को समझना है, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 10 डेज है, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है मेरे भाई। तो अपन टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, वो चीजें हम समझेंगे, ठीक है। देखो, एग्जाम में क्या आएगा मेरे भाई, कंप्लीट द रिएक्शन करके आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पूरा लिखा कैसे रहेगा, कंप्लीट द रिएक्शन करके लिखा होगा। दैट मींस मेरे भाई, ये रिएक्टेंट और ये एरो बना के छोड़ देगा, आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, आपको प्रोडक्ट बताना होगा। देखो मेरे भैया, कैसे मैं बताता हूं, बात को समझना। यहां पे मेरे भाई क्या ही चल रहा होगा, एक बात समझना। ये डबल बॉन्ड गया, ये सीएल नेगेटिव उस कार्बन पे हमने जोड़ दिया मेरे भाई, जहां पे हाइड्रोजन कम था वहां पे गया सीएल और यहां पे मेरे भाई आ गया हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है क्या? कौन सा रूल बताया था मैंने इसको करने के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। इतना सारा मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आपने मेरा कन्वर्जन का 5 लेक्चर नहीं देखा मेरे भाई, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर वहां से देख के आए होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप फटाफट कर सकते हो। चलिए, उसके बाद मेरे भाई RBR NaI ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वहां पे मार्कोनिक की मैं बात कर रहा था, ऐसा मतलब आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। RBR NaI ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मेरे भाई इसको अपन क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज कर देते हैं। हैलोजन एक्सचेंज करने का मतलब मेरे भाई NaBr दे दीजिए और यहां पे RI कर लीजिए। किस रिएक्शन में मैंने पढ़ाया था, प्लीज इसका तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा। ये रिएक्शन मैंने एक कन्वर्जन में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था, ठीक है। चलो, जिसका नाम आप लोग को मैंने फिंकलस्टीन रिएक्शन ही दिया था, कोई दिक्कत की बात होगी तो पूछ सकते हो। चलो, उसके बाद मेरे भाई इस कार्बन को अगर अपन पकड़े तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर मैंने देखा तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है सर। ये नेगेटिव वाला पार्ट उस वाले कार्बन पे हमने जोड़ा जहां पे हाइड्रोजन की क्या थी मेरे भाई, कमी थी ना। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम था वहां पे मेरे भैया नेगेटिव मैंने जोड़ दिया। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किस रूल में बताया था? ये दोनों एक ही रूल से चल गया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, एलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, इस वाले कार्बन पे मेरे भाई जोड़ना मतलब नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एलाइलिक हैलोजिनेशन में कुछ ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। दैट मींस मेरे भाई एक BR को मैं यहां पे जोड़ा और एक BR यहां से H निकलेगा तो HBr बना। आपने सोचा HBr कहां से आया, क्योंकि एक BR यहां से और एक H यहां से निकलेगा मेरे भैया, तो H और BR मिलके HBr बन जाएगा। सर, ये कौन सा प्रोसेस है? एलाइलिक हैलोजिनेशन के नाम से आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा। दैट मींस उस कार्बन के बगल वाला कार्बन मेरे भाई डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उस कार्बन पे हम जोड़ने जा रहे हैं। इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऐसा ना करना कि डबल बॉन्ड तोड़ देना, एक एक BR लगा देना। बहुत सारे जो जाबाज खिलाड़ी है ना, ऐसा काम कर देते हैं, जो डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं और एक एक BR दे देते हैं मेरे भैया, फिर कट के नंबर 0 हो जाता है, समझ में आया। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे सनलाइट मेरे भैया, लाइट लिखा है और हीट, मतलब लाइट से आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि मेरे भाई एलाइलिक हैलोजिनेशन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये खेल खेल गया। HBr परऑक्साइड लिखने का मतलब मेरे भाई होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल चलाओ ना। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या ही बोलता है कि डबल बॉन्ड के आसपास जिस वाले कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ देना यार। ये देखो CH2 है, ये CH है, तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट यहां लगा दो मेरे भाई। ये देखो मैंने क्या किया, नेगेटिव पार्ट यहां लगा दिया और H उसके बगल वाले को दे दिया, तो दैट मींस ये आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत है? HBr परऑक्साइड मेरे भाई एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या ही बोलता है कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा मेरे भाई, नेगेटिव वाला पार्ट उस जगह लगा दीजिएगा, जिसके मैंने यहां पे लगाया CH2 था पहले, अब CH2Br होगा क्योंकि मेरे भैया यहां पे एंटी मार्कोनिक चल गया। एंटी मार्कोनिक की जय हो, ठीक है। और यहां पे मेरे भाई एक H आ गया, यहां पे H2 आ गया। एंटी मार्कोनिक जी बहुत सहायता करते हैं, एंटी मार्कोनिक
मार्कोनी और मार्कोनी भैया दोनों लोग हमारे बहुत सहायता करते हैं, उनका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो उसके बाद मेरे भाई ROH और SOCl2, SOCl2 का मेरे भाई मतलब होता है थायोनिल क्लोराइड। अगर अपन अल्कोहल का रिएक्शन थायनिल से करा ही दें तो RCl मिल जाएगा। आप अपने माइंड में सेट करो, बार बार मैं R बदल रहा हूँ यार, बार बार मैं R बदल रहा हूं, लेकिन OH है थायनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में RCl देगा। अपने माइंड में सेट करिए वे भैया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया यहां से। बात उसकी ना है, बात इसकी है कि ROH को जब मैंने थायनिल क्लोराइड में डाला तो मेरे भाई RCl मिल गया। ठीक है सर, यहां पे देखिए, यहां पे कोई भी चेंजेस, यहां पे मेरे भाई Cl है, यहां पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, उसके बाद मेरे भाई H और O, ये देखो ध्यान से देखना, ये Cl इसके पास गए मुस्कुराते हुए और मेरे भाई क्या ही बना दिया, ये पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट किया और यहां पे Cl लगा दिया, जिससे ये आप लोग ने करके चेक किया होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। फिर वही वाला रिएक्शन यहां पे आ गया मेरे भाई और हमने क्या किया, इसके वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाला और इसका एक BR निकाला मेरे भैया, तो HBr बन गया। वही सेम टू सेम रिएक्शन कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन जरा जरा सा कुछ चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए आप बेहोश ना हो जाइएगा। ठीक है, एक BR मैंने यहां पे लगा के शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HBr लिखा है मेरे भाई, HBr लिखा है, कोई परऑक्साइड तो लिखा नहीं है, तो मार्कोनिक चलाओ। एंटी कहता था कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा वहां नेगेटिव वाला पार्ट जोड़ना, लेकिन मार्कोनिक कहता है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम उस पे नेगेटिव वाला जोड़ना मेरे भैया। तो ये बताओ, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला पार्ट इसी पे आएगा ना। देखो मैंने नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, ये यहां पे मार्कोनिक है, HBr है ना मेरे भाई, तो मार्कोनिक है, HBr प्लस परऑक्साइड रहेगा, HBr प्लस परऑक्साइड रहेगा, देन आफ्टर वी विल यूज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। समझ में आया, एंटी मार्कोनिक का ये शर्तें लागू हैं, एंटी मार्कोनिक के लिए शर्तें लागू हैं कि HBr प्लस परऑक्साइड होगा मेरे भैया, तब आप लगाएंगे एंटी मार्कोनिक जी का रूल, अदरवाइज आप मार्कोनिक भैया को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया कैसे सर, आपने बताया मार्कोनिक ऑफ रूल, एच पॉजिटिव BR नेगेटिव है, राइट सर, नेगेटिव वाला पार्ट आप इस पे लगाएंगे कि इस पे लगाएंगे, क्योंकि यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, सर इसके पास दो दो हाइड्रोजन है, सर इसके पास एक हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां पे नेगेटिव वाला पार्ट लगाना मुस्कुराकर, ठीक है। यहां पे हमने लगा दिया BR और उसके जस्ट बगल में यहां पे हमने ये वाला जो H था वो भी लटका ही दिया, कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं, RBr प्लस MG हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया सर, ये ग्रिगनार्ड बना दिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कर दिया सर, RMgBr, दैट मींस RMgX का नाम तो सुना ही होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है मेरे भैया, कोई दिक्कत है कि नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, RBr प्लस MG इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वी विल गेट RMgBr, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है सर, ये देखिए ध्यान से, ONa लिखा है हमने, C2H5Cl है मेरे भाई, क्या होगा ये, क्या होगा, Cl और Na निकल के NaCl यहां पे बना देगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, लिखा नहीं हमने, NaCl कर दीजिए, ये C2H5 मुड़ के आएंगे और इसके पीछे मुस्कुरा के लग जाएंगे, दैट मींस मेरे भाई क्या हो गया, कुछ दिक्कत तो बात हो ही नहीं रही है, ये NaG Cl को ले गए, ओहो 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 ओहो, इसको ना ऐसे ले जाओ, कितनी अच्छी बात सर आपने कर दिया, ये देखो NaCl निकल गया, ये C2H5 लग गया, कितना इजी रिएक्शन बता रहा हूं मैं। चलो उसके बाद मेरे भाई ये देखो NaOH वाटर की प्रेजेंस में हमने लगाया यहां BR और जैसे ही NaOH लगा कुछ नहीं करना, यहां पे कर देना OH और NaBr निकल गया, ठीक है, NaBr निकल गया, कुछ हुआ, फिर से एक बार समझ लो, एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार सारे लोग समझिए रिएक्शन में क्या क्या हुआ, NaOH वाटर है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पूरा लगा हुआ है, ठीक है, ये BR मेरे भाई NaBr बना दिया, इसका जो H था, इसका जो OH था वो मेरे भाई यहां पे शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल से ये कंप्लीट द रिएक्शन करके आता है, ये जो रिएक्टेंट, ये जो प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट एक बार आप जो आपने कॉपी किया हो नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ रिएक्टेंट लिख के वीडियो को ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसके बाद आप करिए और फिर चेकआउट करिए कि कितना आपने सही किया, आपने समझ लिया ना, वेरी गुड। चलिए अब आप सिर्फ रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट मत लिखिए, अगर आपने आपको चेक करना चाहते हो तो सिर्फ रिएक्टेंट लिखो और प्रोडक्ट मत लिखना मेरे भाई, प्रोडक्ट मत लिखना, पता है, उसके बाद आप अपने से लिख के चेक करो कि क्या आप सारा बना ले रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स के मैं कंप्लीट द रिएक्शंस कराना चाह रहा था, जो मैंने कंप्लीट करा दिया मेरे भाई, अभी हम लोगों की जो नेक्स्ट
लेक्चर होगी उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आईयूपीएससी कंप्लीट करा दिया मैंने हेलोएल्केन एंड हेलोरीन का, मैंने कंप्लीट द रिएक्शन करा दिया मेरे भाई, और मैंने करा दिया आपको बहुत सारे कन्वर्जन, जिस कन्वर्जन में बहुत सारे रिएक्शन मैंने कंप्लीट करा दिए, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारा कुछ उसके अंदर कराना है। मैं इसको फटाफट कंप्लीट कराऊंगा मेरे भाई, टेंशन ना लेना। इसको प्लीज आप रिएक्टेंट लिखिए और इसके प्रोडक्ट खुद बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर चेक करिएगा कि कैसे मैंने बताया था, ठीक है। एक एक रिएक्शन आपको पता होगा तब समझ में आएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट डिटेल में पता। ज्यादातर तो देखो खेल जा रहे हैं सब उससे, मार्कोनिक जी से, एंटी मार्कोनिक जी से, एक इसमें आ गए थे अपने एलाइलिक हेलोजिनेशन करके आ गए थे, एक तो फिंकलस्टीन जी चल गए थे, कुछ कुछ देखो कहां, ये देखो डार्जन मेथड चल जाएगा, ये डार्जन मेथड के नाम से जानते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसको डार्जन मेथड के नाम से जानते हैं। दैट मींस थाइनिल क्लोराइड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है मेरे भाई तो आरएक्स देता है ये मेरे भैया, ये डार्जन मेथड के नाम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो सब आपको सुना सुना ही लग रहा होगा, ये तो ग्रिगनार्ड वाला एक आ गया था इसमें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट करके, ठीक है। तो ठीक है, ये चीजों को आप नोट करिए, अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।